हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाने वाले भव्य गांधी के घर से एक बुरी खबर सामने आई है। खबर ये कि कोरोना काल का असर, या ये कह लीजिए कोरोना का ग्रहण, भव्य गांधी के ऊपर भी पड़ा है। भव्य गांधी के पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें, लगभग काफ़ी वक्त से जो जानकारी मिल रही है कि 10-11 दिन से वो वेंटिलेटर पर थे। विनोद गांधी उनका नाम है और वो कई दिन से तबीयत उनकी ख़राब थी, कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार डॉक्टर्स उनको नहीं बचा सके और भव्य गांधी के सिर से उनके पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बता दें, अब उनके परिवार में उनकी माँ यशोदा गांधी और भाई निश्चित गांधी बचे हैं। इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है, पूरा परिवार सदमे में है। इसके अलावा जो टप्पू यानी कि भव्य गांधी के फैंस हैं, उनको इस वक्त कंसोल कर रही हैं, उनको सांत्वना दे रही हैं, उनको हिम्मत बंधा रही हैं कि ऐसे वक्त में वो खुद को अकेला ना समझें। बता दें, हाल ही में एक शादी में भी भव्य गांधी को जाना था, लेकिन पिता की नाजुक हालत को देखते हुए उन्होंने इस शादी में जाना कैंसिल कर दिया था और वर्चुअली इस शादी को अटेंड किया था। अगर बात करें टप्पू के किरदार को लेकर, तो 2017 में भव्य ने ये शो छोड़ दिया था। लंबे वक्त तक वो इस शो से जुड़े रहे, इस शो ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, लोगों के बीच उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई, लेकिन 2017 में उन्होंने इस शो को छोड़ दिया था। खैर, हमारी तरफ से भी जो विनोद गांधी हैं, टप्पू के जो पिता हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, और ऐसी दुआ करते हैं कि उनके परिवार को इस वक्त हिम्मत मिले ताकि वो इस सदमे से उबर सकें।